अगली बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूं। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव संभव है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग की गृह सचिव से एक लंबी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं इसको लेकर भी बातचीत हुई है इस बैठक में। जम्मू कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं थी वो भी चुनाव आयोग की तरफ से इस बैठक में गृह सचिव के सामने रखी गई है। और ऐसे में इस बैठक के बाद अब नतीजा क्या निकला, किस तरीके का भरोसा चुनाव आयोग को मिला है, इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, बताइए, जो बैठक चल रही थी खत्म हो गई है, क्या नतीजा निकला, सूत्र क्या बता रहे हैं? ये बिल्कुल, करीबन 45 मिनट तक ये बैठक चली है और इस बैठक के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के जो है जहन में जो कई सारे सवाल थे उसके बारे में चर्चा की है सचिव के साथ में, क्योंकि मकसद ये था कि अगर अगले एक महीने के दौरान, एक डेढ़ महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाने हैं तो उसके लिए किस तरीके की तैयारियां करवानी है और उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम क्या होगा, अभी का जो सुरक्षा एजेंसी के पास में, जो खुफिया एजेंसी है उसके पास में किस तरह का इनपुट है, इस तरीके के कई सारे सवाल थे जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह सचिव के सामने रखे हैं। और इतना ही नहीं, चर्चा का विषय इसी का सूत्रों के मुताबिक कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी घटनाएं हुई हैं वो एक बड़ा चिंता का वक्त का विषय था। तो केंद्रीय गृह सचिव के साथ में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सूत्र इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्राथमिकता यही है कि वहां पर लोगों की सुरक्षा भी रहे और चुनाव भी संपन्न करवाए जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।